बच्चों को मैगी कितनी पसंद होती है ये तो हम सभी जानते हैं, पर अगर मैगी को एक अलग अंदाज में और हेल्दी बनाकर खिलाया जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दोस्तों हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अदितिस कुकिंग लाइफ, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैगी रोल जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी है। मैंने इसमें बहुत सारी वेजीज़ का भी इस्तेमाल किया है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अपने बच्चों को खिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है 1 कप पानी, इसे मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी पहले, उसके बाद इसमें मैं एक मैगी डाल रही हूँ थोड़े पीसेस करके। अब ये जो मैगी का टेस्ट मेकर आता है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें नमक ऑलरेडी है तो बस मैं इसे पकने दूँगी। साथ साथ दूसरी गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बटर। इस बटर को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वेजीज़ ले रही हूँ, 2 चम्मच लाल शिमला मिर्च, 2 चम्मच प्याज है, 2 चम्मच कॉर्न है और 2 चम्मच हरी शिमला मिर्च है जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो एक एक करके ये सब्जियों को इसमें डालेंगे और हल्का हल्का सा फ्राई करते जाएंगे, एक साथ सारी सब्जियां नहीं डालेंगे। तो ये रेसिपी बहुत सिंपल भी है और बहुत टेस्टी भी है। बच्चे जब रोज़ की रोटियों से बोर हो जाते हैं तो आप इस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं और बच्चे इसे खाकर ज़रूर खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए सारी सब्जियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, तो इनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अब इसमें मैं सिर्फ नमक डाल रही हूँ, नमक डालकर इनको थोड़ी देर हम पका लेंगे। ये देखिए साथ साथ हमारी मैगी भी पक गई है, तो मैगी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए परफेक्ट। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल ना करें, बट अगर बच्चे मसाले या तीखा पसंद करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ एक रोटी का जो पेड़ा होता है वो, ये नॉर्मल आटा है जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक चपाती बेल ली है, अब इसको हल्का सा रोस्ट करना है पहले, उसके बाद इसके ऊपर मैं बटर लगाऊंगी। यहाँ पर आप घी का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस ये देखिए बटर लगा लेती हूँ मैं और इसको अच्छे से सेक लेती हूँ। कोई अलग से काम भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें अलग से कोई आटा नहीं लगाना है, हम नॉर्मल जो आटा जो घर में रोटी बना रहे हैं उसी आटे से इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से मैंने इसको सेक लिया है दोनों तरफ से। इसको आप मीडियम फ्लेम पे सेकें ताकि जो रोटी है वो अच्छे से थोड़ी क्रिस्पी ही सिके। परफेक्ट, ये रोटी यहाँ पर सिक गई है। तो चलिए रोल बनाने की तैयारी। तो इसमें सबसे पहले मैं थोड़ी सी मायो लगा रही हूँ, बच्चों को मेयोनीज भी काफ़ी पसंद होती है। तो ये देखिए इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी इसके ऊपर, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अपनी स्टफिंग जो मैगी का बनाया है मैंने, वो स्टफिंग अच्छे से इसमें फिल कर दीजिए आप। परफेक्ट, उसके ऊपर से भी थोड़ी मायो डाल दूँगी मैं ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए, थोड़ा क्रीमी हो जाएगा ये। इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से टमाटो केचप और ये थोड़े से कटे हुए प्याज और ऊपर से लगा दूँगी मैं ताकि टेस्ट और बढ़ जाए। बस अब इसको रोल कर लेंगे हम, ये देखिए, और इसको आप पीसेस में काट लीजिए और बच्चों को सर्व कीजिए सॉस के साथ। बच्चे ज़रूर खुश हो जाएंगे इसे खाकर एंड आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये रेसिपी जब आप अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो गाइज़ अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और थैंक यू सो मच गाइज़ मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए 1 लास्ट टाइम एंड मेरे साथ अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।